एक बार फिर से सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी दिन से आ रहा था कि डेट शीट आ रही है आ रही है। और आपको पता है पहले आपकी डेट शीट आई हुई थी सेकंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की, और उसके बाद फिर वो वापस हो गई थी। तो अब एक बार फिर से डेट शीट के लेके काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 7 जून से, 7 जून से, और डेट शीट भी आ गई है। तो मैंने इस पर कल वीडियो नहीं बनाया था, कल मैंने खाली फाइनल ईयर के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन अब मैं आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करते हैं आपको समझाने की कि एग्ज़ाम आपके अभी 7 जून को है या नहीं है। ये हमको नोटिस पढ़ने के बाद चलेगा पता। तो एक बार पहले डेट शीट देखते हैं, क्या डेट शीट आ रही है आपकी सेकेंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की, और फिर आगे बात करेंगे एग्ज़ाम कैसे आपके होंगे, नहीं होंगे, SOL के, DU के, NCVF के, किसकी डेट शीट है ये, किसके लिए एप्लीकेबल है, सारी बात आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। ये मैं अभी इस समय DU एग्ज़ाम पे हूँ, ये मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, exam.du.ac.in, आपको हमेशा यहीं चेक करनी है अपनी डेट शीट। और ये डेट शीट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे डेट शीट का आपका कॉलम खुल जाएगा और नीचे आप आएंगे, ये है आपका फाइनल डेट शीट ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2021 इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड। अभी जो डेट शीट है ये एनुअल मोड वालों की नहीं है, ये तो इस बात से क्लियर हो गया कि ये डेट शीट है सेमेस्टर मोड वालों की, यानी कि सेमेस्टर मोड के अंदर आपका सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर ये तीनों आते हैं। तो एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर का है, फोर्थ सेमेस्टर का है, सिक्स का है या सभी का है, इसके बारे में हम डेट शीट को देख के ही बता पाएंगे। तो पहले एक बार डेट शीट देख लेते हैं फिर बात करेंगे। फाइनल डेट शीट ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS है, साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। एडमिशन 2015 से 2018, और आगे लिखा है सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो ये सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट भी है, फोर्थ की भी है और सिक्स की भी है, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं डेट शीट, सबसे पहले BCom की देखेंगे, होगी BCom के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो ये है BCom की डेट शीट ओपन हो रही है आपके सामने, ये आ गई, पढ़ लो क्या लिखा है इसके ऊपर। डेट शीट फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम Part 3 मीन्ड फॉर सिक्स सेमेस्टर। आगे लिखा है एक्स स्टूडेंट एंड स्टूडेंट विल अपियर फॉर सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर अलोंग विथ सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, ER एंड इम्प्रूवमेंट एज पर रूल, जिनकी बैक आई है उन लोगों के लिए भी लिखा हुआ है कि उनको एज पर रूल सी अपना अप्लाई करना है फोर्थ सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में। तो ये पढ़ लेते हैं पहले एक बार। टाइम एग्ज़ाम का है आपका 3 से 6, और 7 तारीख को आपका पहला पेपर सिक्स सेमेस्टर का है, कलेक्टिव बार्गेनिंग और पर्सनल सेविंग का। उसके बाद 8 तारीख को फोर्थ सेमेस्टर का पेपर ई कॉमर्स का है, और फोर्थ सेमेस्टर का ही इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स का है। 9 जून को आपका पेपर है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, फिर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, सब एक ही दिन है, सिक्स सेमेस्टर के पेपर हैं, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 10 जून को है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है ये। 12 जून को है आपका सिक्स सेमेस्टर का इंडियन इकोनॉमिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 13 जून को है सेकेंड सेमेस्टर का बिजनेस लॉ। 14 जून को है आपका सिक्स सेमेस्टर का इंटरनेशनल बिजनेस, ऑफिस मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। 15 जून को ही आपका है बिजनेस स्टैट्स एंड मैनेजमेंट मैथमेटिक्स, ये सेकेंड सेमेस्टर का है। 16 जून को है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। 18 को है आपकी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, और आगे चलते हैं। 18 जून को लैंग्वेज चल रही है आपकी सारी, और उर्दू भी इसी में आ गई है आपकी, और साथ में आपकी अरेबिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी सब्जेक्ट इन लिए ऑफ मिल, ये फॉरनर्स को मिलते हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। 20 तारीख को आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, ये फोर्थ सेमेस्टर का, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, अरेबिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये फॉरनर्स के लिए। और 20 तारीख को है आपका फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ठीक है, तो ये जो डेट शीट है ये BCom की डेट शीट है, उसकी डेट है 20 मई 21 को ये आई थी, और आज 21 तारीख है, कल मैंने नहीं बनाया था, कुछ मेरे डाउट थे, एक बार देख लो फिर भी क्या लिखा है ऊपर में। लिखा हुआ है दिस इज स्पेशल मेजर फॉर COVID-19, तो ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, साफ साफ है, और वही आपका एग्ज़ाम 4 घंटे का होगा, और साथ में जो है आपका जो PWD के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया इसके अंदर, अब चलते हैं आगे। ऑल इन्फॉर्मेशन विद द डेट शीट लाइक मॉडिफिकेशन शैल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट, ये तो मैं आपको बता ही दिया कि DU.AC.IN, यहाँ पे आपको चेक करना है हमेशा।
और लास्ट में इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द साइट इज़ ओनली ऑफिशियल, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसके बारे में नहीं है। तो ये थी आपकी बीकॉम की डेट शीट, फिर मैं बात करूँगा बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट और बताऊँगा उसके बाद कि क्या ये सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, या ये सिर्फ सिक्स सेमेस्टर के लिए है, या किसके लिए है। ये सारी बातें अभी मैं करने वाला हूँ इस वाली डेट शीट के बाद। ये डेट शीट में चला गया दोबारा से, ये आ गया आपका बीकॉम ऑनर्स, खुल गई डेट शीट आपकी। ये आ गया 7 तारीख को एंटरप्रेन्योरशिप फोर्थ सेमेस्टर का, कलेक्टिव बार्गेनिंग फोर्थ सेमेस्टर का, ई फाइलिंग फोर्थ सेमेस्टर, साइबर क्राइम फोर्थ सेमेस्टर। 8 तारीख को सिक्स सेमेस्टर का ऑडिटिंग, 9 तारीख को फोर्थ सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग, 12 जून को सिक्स सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 6 को कंज्यूमर अफेयर्स, 6 को ही बिजनेस टैक्स प्रोसीजर, न्यू वेंचर प्लानिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट, 14 को है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, 17 को है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, BRM, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस, 21 तारीख को कॉर्पोरेट लॉ, 22 तारीख को बिजनेस मैथ्स, 23 तारीख को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 24 को कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ठीक है, आगे सब चीज़ें वही हैं, सेम है। अब इस पे पहले कि आगे मैं और चलूँ, आपको और कुछ बताऊँ, तो मेरे ख्याल से अभी तक 2 महीने नोटिस देख चुका हूँ डेट शीट की, तो मैं इस पोजिशन में हूँ कि आपको कमेंट करके बता सकूँ कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये आपके सिक्स सेमेस्टर के हैं, फोर्थ सेमेस्टर के हैं, सेकंड के हैं, तीनों के हैं, या किसके हैं। ठीक है, तो ये जो डेट शीट पे ऊपर दिखा दिखाई दे रहा है, डेट शीट फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पार्ट 3, पार्ट 3 का मतलब थर्ड सेमेस्टर, यानी थर्ड ईयर, सॉरी, है ना, और थर्ड ईयर का मतलब सिक्स सेमेस्टर। मैंने आपको बताया एग्ज़ाम 3 लोगों के होंगे, सेकेंड सेमेस्टर के और फोर्थ सेमेस्टर के और सिक्स सेमेस्टर के। तो ये सिक्स सेमेस्टर के लिए है, साफ साफ ये लिखा हुआ है। उसके आगे बढ़ेंगे तो लिखा है एक्स स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर। ये जो बात है, यहाँ से थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये डेट शीट आपकी क्या सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की भी है, क्योंकि खाली एक्स स्टूडेंट लिखा होता तो ये डेट शीट सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की ना होके थर्ड ईयर की, यानी कि फाइनल ईयर की हो जाती। बट जब स्टूडेंट भी उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया, स्टूडेंट का मतलब जो प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं, एस का मतलब जो पढ़ के फेल हो गए या जो भी कारण है, विल अपीयर फॉर सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर अलॉन्ग विद सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 21, ओनली फॉर ER एंड इम्प्रूवमेंट एज पर रूल। तो ये जो बातें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ कर रही है, तो बेटर है कि मैं जो आपको है और थोड़ा क्लैरिटी की तरफ ले जाऊँ, क्योंकि तो अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ आपका। अब यहाँ पर जो लास्ट लाइन जो आ रही थी, ER एंड इम्प्रूवमेंट एज पर रूल, ये बात तो ठीक है, स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा अगला और मैं आगे जाऊँगा, लास्ट लाइन देखूँगा ये वाली, सेमेस्टर स्कीम एडमिशन ऑफ 2015 2016 2017 एंड 18। अब यहाँ पे थोड़ा डाउट बढ़ गया फिर से, लेकिन एक क्लैरिटी भी मिल रही है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 15 16 17 और 18 में एडमिशन लिया है। सिंपल सी बात कि ये जो डेट शीट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज के सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ तक मुझको समझ में आता है। क्यों? क्योंकि तो पहली बात, अभी सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के NCVAP के DU के SOL के किसी के रिजल्ट ही नहीं आए, तो एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर ये एग्ज़ाम कैसे पॉसिबल होंगे। एक तो मेरी वही लॉजिक जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आपका भी एडमिशन ही नहीं हुआ, एग्ज़ाम ही नहीं कैसे हो जाएंगे, और एग्ज़ाम का रिजल्ट ही नहीं आया तो एडमिशन कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? आप उसको बार बार पूछते रहते हो, भाई अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया तो एडमिशन कैसे हो, और जब एडमिशन नहीं होगा तो एग्ज़ाम कैसे हो। तो ये सारी बातें जो हैं, ये तो पता है बिना फीस दिए तो वही ऐसे वाले कुछ काम करेंगे नहीं है। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये जो डेट शीट है, जो मुझे लगता है ये डेट शीट सिर्फ और सिर्फ DU के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, और उन सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है DU के जो सिक्स सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या उनकी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक आई है। तो इसके कारण मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ कि ये डेट शीट मेरे हिसाब से 100% सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए नहीं है। इसके 3 कारण हैं। पहला, इसमें लिखा हुआ है एडमिशन 15 16 17 और 18 NCVAP में, और SOL में जो एडमिशन थे सेमेस्टर स्कीम में वो 19 और 20 में हुए थे, आपको याद नहीं हो तो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि अगर एडमिशन वाली बात क्लियर हो गई, उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो दूसरा कारण ये कि अभी तो हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट ही नहीं आया फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, तो हम कैसे फोर्थ सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे। और मान लिया आ भी जाएंगे, प्रमोट कर देगी DU COVID-19 के चक्कर में, पर फीस तो हमने भरी नहीं, जब फीस नहीं भरी तो एग्ज़ाम कैसे हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये तीन जो बातें हैं, ये बहुत बड़े लॉजिक मैंने आपको दे दिए। तो ये डेट शीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ DU रेगुलर के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, और इनका SOL और NCVAB से मेरे ख्याल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, NCVAB में भी ये आ गया था सेमेस्टर सिस्टम SOL से पहले, पर शायद वो 19 में आया था, 20 में तो मेरे ख्याल से नहीं आया था। 20 में SOL में आया है, 19 में शायद NCVAB में आया है। बाकी आप लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बता दो कि NCVAB में SOL में कब आया था सेमेस्टर सिस्टम, तो ये उन्हीं के लिए लागू होगा। अब मैं जा रहा हूँ आगे, अब मैं बात करूँगा और एक दो डेट शीट की, जैसे कि BA ऑनर्स, BSc। BSc के तो कम ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो पहले BA ऑनर्स की देख लेते हैं। यहाँ ज़्यादा जल्दी दिखाऊंगा मैं आपको, फास्ट फास्ट आप देखते चलें। 8 तारीख को साइकोलॉजी का, अरेबिक का, बंगाली का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, फ्रेंच का, जर्मन का, हिंदी का, हिस्ट्री का। 8 को ही इटालियन, जर्नलिज्म, बहुत सारे पेपर पढ़ते चलो इसको। फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सारे के सारे। 10 तारीख को वही सारे पेपर, नाम पढ़ लो वही। मैं आर्ट्स का टीचर तो नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग पढ़ सकते हैं। दस को हिस्ट्री, इटालियन, जर्नलिज्म, पर्सियन, 6 सेमेस्टर का पेपर। पॉल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी। 10 को ही संस्कृत, लॉजिक, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, उर्दू। 14 को अप्लाइड साइकोलॉजी, बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी। 14 को देख लो, बहुत सारे पेपर हैं। 15 को बहुत सारे पेपर हैं। 17 को साइकोलॉजी, बंगाली, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे पेपर हैं। 17 को फिर देखो, पर्शियन, फिलोसॉफी, पॉल साइंस। ठीक है जी, ये डेट शीट आपकी हो गई BA ऑनर्स की। उसके बाद एक और देखते हैं BA प्रोग्राम की। ये रही डेट शीट, 7 जून को सारे पेपर, कॉमर्स का भी है इसमें, इको भी है। 7 को फिर भी बहुत सारे आपके पेपर। 7 तारीख को बहुत पेपर हैं आप लोगों के। 8 को भी काफ़ी लंबे पेपर हैं आपके, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। नौ तारीख को पेपर बहुत सारे, बहुत ज़बरदस्त लिस्ट है। 8 से बहुत पेपर होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मैंने अभी बीच में वीडियो में बताया था कि ये जो डेट शीट है किसके लिए एप्लीकेबल है, और सेकंड सेम के लिए है कि फोर्थ सेम के लिए कि सिक्स सेम के लिए है, वो मैंने BCom पास की डेट शीट के बाद बताया था वीडियो के बिल्कुल बीच में। तो अगर आपने मिस कर दिया तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि ये आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, फोर्थ के लिए है, या सिक्स के लिए है, या तीनों के लिए है, ये मैंने वीडियो के बीच में बता दिया है। तो बीच में आप जाके BCom पास की जो डेट शीट दिखाई है उसके बाद मैंने बताया है, 6 मिनट के आसपास वीडियो का कर देंगे ड्यूरेशन, तो आपको सुनने को मिल जाएगा कि ये जो डेट शीट है ये 4 सेमेस्टर्स और 6 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर किसके लिए अप्लीकेबल है। और मैंने बताया है कि मेरे हिसाब से ये शायद 6 सेमेस्टर के लिए अप्लीकेबल है, सेकेंड और फोर्थ के लिए नहीं, क्योंकि सेकेंड का अभी एडमिशन नहीं हुआ, फोर्थ का एडमिशन नहीं हुआ, इनका अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी एडमिशन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, पेपर कैसे होगा, फीस जमा नहीं करी। ठीक है, तो मैंने आपको BA, BCom और की डेट शीट दिखा दी। बाकी BSc वाले अगर हैं कोई तो वो इस लिंक पे जाके एग्ज़ाम वाले पे देख सकते हैं।
ठीक है, मेरे को लगता है BSOL में और उसमें काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं जो कि BSc में शायद होंगे नहीं, है ना। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।